हमारे देश इंडिया के बारे में दो ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको गर्व फील होगा। नंबर वन, चांद पे पानी मिला है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे पानी की खोज किसने करी थी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ, वो हमारी ही नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। नंबर टू, पूरी ही दुनिया में नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन था? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं, वो थे इंडियन, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों? इन दो फैक्ट को जानने के बाद हुआ ना आपका सीना गर्व से चौड़ा? सो गाइस, इसको शेयर करना लोगों के साथ मत भूलिएगा। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फॉक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। आर्मी, जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। आपको ये आइडिया कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।